ग्राम पंचायत राज बथुआ से। काफी जनसा लाभ है आपके साथ, इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता को प्यार है। क्या मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में? विकास। विकास में एक दो कार्य बताइए आप। और बहुत सा शॉर्टकट बनवाए हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? फ्री एम्बुलेंस, दवा, पब्लिक की सेवा। आपके पंचायत में क्या क्या कमियां दिखाई दे रही है अभी? स्वास्थ्य, रोड स्वास्थ्य। और नाली की क्या स्थिति? नाली के बहुत बदतर स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति। चुनाव जीतेंगे तो आप कार्य कीजिएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे और भी समर्थक है, इनसे बात करेंगे। क्या क्या बोलिएगा इनके बारे में? सबसे पहले रोड का काम होगा। रोड का बहुत बुरा हाल है, न पंचायत में नाली है, उसके पानी का बहुत जल जमाव होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप लोग इनके साथ है, जी हम समर्थक में। क्या खासियत है इनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं, मतलब कि हर तरह से अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। जितना वादा किए हैं सब पूरा करेंगे। लोगों का सुख दुख में साथ रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं सुख दुख में। कोरोना काल जब था उस समय इन्होंने क्या कार्य किया? इन्होंने हर गरीबों के लिए जितना हो सके, मतलब अनाज के वितरण किए, पैसा दीजिए जितना होगा अपने से, हर कार्य पूरा किया। ऑक्सीजन का जितना जरूरत था वो पूरा किया, अपने गाड़ी से ला के लोग लेके आए, हर चीज ऑक्सीजन भी कमी थी, ऑक्सीजन उस समय अपने गाड़ी से ला के दूसरे जगह से लाए थे, सिवान से लाए थे, गोपालगंज अपने पंचायत बथुआ। और ये कोरोना वैक्सीन का जितनी जरूरत था ये अपने माध्यम से ला कर हुआ कैंप लगवाए, सबको घर घर आपको वैक्सीन दिलाए हैं वो। आखिरी सवाल, अपने पंचायत वासियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? बस हमको विजयी बनाए, पूरी पंचायत इनके साथ है। मोहम्मद फुल मोहम्मद, बथुआ पंचायत फुल मोहम्मद।